हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का 6th चैप्टर, पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स, इसके राइटर हैं अशोका मित्रन। अशोका मित्रन की एक बुक है बच्चों, माय ईयर्स विद बॉस। उस बुक का ही एक पार्ट आपके कोर्स में रखा गया है। एक्चुअली में ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, ठीक है। माय ईयर्स विद बॉस ये जो बुक है, इसमें जो बॉस है ना, ये इनके खुद के बॉस हैं, रियल बॉस। इनका नाम है एसएस वासन। ये काम किया करते थे जेमिनी स्टूडियो में। तो जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे उनका नाम था एसएस वासन। उनके बारे में ये सारी बुक उनने लिखी है। इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा, इस चैप्टर में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो जेमिनी स्टूडियो था ना, अब ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में शायद आप लोग जानते हो, आपने कभी देखा होगा पुरानी पिक्चर्स में क्या होता है, दो जब पिक्चर शुरू हो रही होती है तो दो बेबी आते हैं ट्रम्पेट बजाते हुए और नैपी पहने हुए होते हैं खाली, वो जेमिनी स्टूडियो का लोगो था जो है फिल्म के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब वहाँ उस टाइम पे उसमें शोज़ भी कराए जाते थे। तो उस जेमिनी स्टूडियो में हमारे ये जो राइटर हैं अशोका मित्रन, ये काम किया करते थे। तो इस चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जेमिनी स्टूडियो का वर्क कल्चर क्या था, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोग कैसे काम करते थे और किस तरीके के लोग थे, खास करके मेकअप डिपार्टमेंट में और स्टोरी डिपार्टमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन और देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं जेमिनी स्टूडियो के बारे में। चलिए अब सबसे पहले बात वो बताएंगे हमें पैनकेक्स के बारे में कि ये पैनकेक्स क्या है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। पैनकेक्स एक क्या था, एक मेकअप मटीरियल था, श्रृंगार की सामग्री का ब्रांड का नाम था, जिसके ट्रक के ट्रक भरे हुए जेमिनी स्टूडियो खरीदता था, ठीक है। ग्रेट गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्नोत्री मे नॉट हैव इवन हेयर्ड ऑफ इट। अब वो बता रहे हैं कि पुरानी जो एक्ट्रेस थी, सबसे पहले उन्होंने नाम लिया है ग्रेट गार्वो का। ग्रेट गार्वो जो है एक स्वीडिश एक्टर हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसको पैनकेक को यूज़ किया होगा। मिस गौहर ये तो इंडिया की ही हैं, उन्होंने भी इसका यूज़ किया होगा। वैजयंती माला इन्होंने भी यूज़ किया होगा, लेकिन जो रति अग्निहोत्री हैं उन्होंने शायद इसके बारे में सुना भी ना हो, क्योंकि रति अग्निहोत्री जो है बाद की एक्ट्रेस हैं, करीब ये उधर 80s की हैं, ठीक है, लास्ट 70s-80s की हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने शायद इस पैनकेक के बारे में सुना नहीं होगा। आगे क्या बता रहे हैं वो, मे नॉट हैव हियर्ड ऑफ इट। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अप स्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये जो जेमिनी स्टूडियो था, इसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग में था, उस बिल्डिंग के ऊपर की मंजिल में था, जिसके बारे में ये जाना जाता था कि रॉबर्ट क्लाइव्स का जो वहाँ पर अस्टेबल रहा होगा जहाँ पर ये बिल्डिंग इस समय है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो भी उन्हीं की है, ठीक है। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, आगे क्या बताते हैं देखते हैं। द अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन रेजिडेंस। बता रहे हैं कि इसके अलावा दर्जनों और ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है कि उसमें भी जो है उन्होंने निवास किया है, वो वहाँ रह चुके हैं, उनका अपना रेजिडेंस रह चुका है, मतलब वो इतने बड़े आदमी थे कि ऐसी ही दर्जनों बिल्डिंग और थी जहाँ वो रह चुके थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मैड्रास क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फ्लाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन द मद्रास। अब उनके बारे में बता रहे हैं ये, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में, जिसकी बिल्डिंग में ये जेमिनी स्टूडियो था, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट क्लाइव्स। तो रॉबर्ट क्लाइव्स के बारे में बता रहे हैं कि शहर की दर्जनों इमारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये उनका निवास स्थान रह चुका है,
ठीक है, उनका जो छोटा सा जीवन था ना, और उससे भी कम जो है वो छोटे से जीवन में मद्रास में इधर उधर मूव करते रहे थे। और इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के जो दूरवर्ती कोने थे, दूरवर्ती इलाके थे, ठीक है, दूरवर्ती मतलब दूर दराज के जो रिमोट कॉर्नर्स, उनमें भी उन्होंने असंभव लड़ाई लड़ी। और क्या किया उन्होंने, मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थित सेंट मैरीज जो चर्च था उसमें एक लड़की से उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, एक लड़की से उन्होंने वहाँ पर शादी कर ली। अब या मेडियन का मतलब कुआरी लड़की, जवान लड़की, उससे उन्होंने वहाँ पर शादी कर ली, राइट। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर। ये जो मेकअप रूम था एक बड़े जो है बाल काटने वाले हॉल की तरह लगता था, सैलून की तरह लगता था, जिसमें आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे चारों तरफ हर कोण में रोशनी के साथ लगे हुए थे, ठीक है। अब जब इतना बड़ा कमरा होगा, इतने सारे मिरर्स होंगे, इतनी सारी लाइट्स होंगी, तो वहाँ पर गर्मी होना स्वाभाविक है, ठीक है। दे वर द इनकैंडेंस्ड लाइट्स सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। अब वो कह रहे हैं कि अब आप ये देखो कि ये सब रोशनियाँ एकदम से तेज़ है ना, टेम्परेचर पे एकदम तेज़ रोशनी करने वाली, जलने वाली, तो इसलिए जो जिन लोगों का मेकअप किया जाता था उन लोगों की क्या दुर्दशा होती थी, ये आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, मतलब उनको कितनी ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ती होगी। ये पुराने टाइम की बात करा बता रहे हैं, उस समय कैसे मेकअप किया जाता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। अब जो है ये बता रहे हैं कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका जो मेन चीफ था, प्रधान था, प्रधान वो कौन था, एक बंगाली था, जो कि अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा था कि उसने स्टूडियो को ही छोड़ दिया। मतलब जब वो फेमस हो गया, उसके मेकअप फेमस होने लगा सब जगह, तो उसने क्या किया, उसने जब एक बार फेमस होने के बाद स्टूडियो ही छोड़ दिया उसने। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्ट बाय द धारवर कर्नाटका एंड आंध्रा अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्नेस एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। अब देखो, अब जब वो चला गया तो भाई कोई ना कोई तो उसकी जगह लेता ही, तो उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ से छोड़ के चला गया तो उसकी जगह एक मराठी ने ली, जिसकी सहायता के लिए एक धारवाड़ कनाडिया, एक आंध्र निवासी, एक मद्रास का भारतीय क्रिश्चियन और एक एंग्लो बर्मीज, ठीक है, और दूसरे साधारण स्थानीय तमिल लोग थे, यानी और उसके असिस्टेंट भी थे जो तमिल लोग थे, वहाँ के लोकल थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। अब वो बता रहे हैं कि इस सब से ये साबित होता है कि ऑल इंडिया रेडियो AIR, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यक्रम प्रसारण करने से पहले ही, नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यक्रम प्रसारण करने से पहले ही क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकीकरण काफ़ी कुछ हो चुका था। अब देखो वहाँ पर उन्होंने बताया ना कि कितने सारे लोग थे उनके, वो मद्रासी था, एंग्लो इंडियन था, तमिल के वहाँ लोग थे, क्रिश्चियन थे, तो नेशनल इंटीग्रेशन तो वैसे हो गया है ना, कि मतलब हमारा दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो इस तरीके के कार्यक्रम प्रस्तुत करता, उससे पहले वहाँ ही राष्ट्रीय एकीकरण हो चुका था, ठीक है। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेट मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूज्ड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। देखो अब वो बता रहे हैं कि अब देखो वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत किया है मेकअप को
कि ये मेकअप क्या करता है, अच्छे खासे आदमी को खराब बना देता है। देखो अभी क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ये राष्ट्रीय एकीकरण टोली, ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की जो टोली थी जिसके बारे में उन्होंने बताया था, ये सारे लोग भारी मात्रा में पैनकेक और दूसरे लोशन घोल आदि को वो क्या करते थे, एक अच्छा नज़र आने वाले आदमी को भयंकर गहरे लाल रंग का राक्षस बना देते थे, एक मॉन्स्टर बना देते थे उसे। यानी इतना सारा मेकअप लगाते थे कि वो अच्छा खासा बदसूरत दिखने लग जाता था। उनका कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इतने सारे लोशन और वो सब लगा के उसकी हालत बिगाड़ देते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स। अब वो बता रहे कि उन दिनों फिल्मों की शूटिंग जो है अधिकतर स्टूडियो के अंदर ही होती थी और केवल 5% ही जो है स्टूडियो के बाहर की जाती थी शूटिंग। अब तो आउटडोर शूटिंग बहुत होती हैं, उस समय केवल 5% ही बार होती थी, बाकी सब कुछ सारे सीन जो है स्टूडियो में ही फिल्माए जाते थे। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। वो कह रहे हैं मेरा ख्याल है कि लड़के और लड़कियों को वो जो पिक्चर है ना, जो फिल्म है, उसको प्रस्तुत करने के योग्य बनाने के लिए वहाँ के जो सेट्स थे और स्टूडियो थे उनकी रोशनी में उनको और भी भद्दा दिखाने का काम किया जाता था, है ना। मतलब एक तो उनका इस तरीके से मेकअप कर दिया जाता था और ऊपर से ऐसी रोशनी डाली जाती थी कि जैसे वो और भी ज़्यादा ख़राब दिखे उससे, प्रेजेंटेबल, वो आप जिसको वो प्रेजेंटेबल कहते थे वो जो है उनको अगली लगता था, बहुत बदसूरत लगते थे वो, प्रेजेंटेबल नहीं थे मूवी के लिए, लेकिन वो जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनके हिसाब से वो प्रेजेंटेबल थे और हमारे जो राइटर हैं अशोका मित्रा उनके हिसाब से वो अगली थे, ठीक है। आ स्ट्रिक हैरी केसी वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब वो बता रहे हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना उसमें एक हैरी केसी थी। हैरी केसी क्या होता है बच्चों, हैरी केसी का मतलब किसी को उसके क्लास के अकॉर्डिंग, पद के अकॉर्डिंग, जैसे कोई सबसे ऊंचा है तो उसको उसका काम है कि भाई वो हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा, उसके नीचे उसका असिस्टेंट है वो जो है साइड के जो हीरो हीरोइन है उनका करेगा, और नीचे हैं तो वो क्राउड का करेगा, इसको कहते हैं हैरी केसी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे पदानुक्रम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस यहाँ पर क्या था जो है एक पदानुक्रम सख्ती से बनाया रखा था, है ना, बहुत सख्ती से पालन किया जाता था। क्या था, द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली, कि जो चीफ मेकअप मैन था, जो मुख्य था, वो क्या करता था, जो हीरो हीरोइन है, अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, उनका जो है क्या करता था, वो मेकअप करता था जो चीफ होता था। उसके बाद द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, और उसका जो दूसरा हीरो जो सहायक होता था, असिस्टेंट होता था, जो सीनियर असिस्टेंट होता था, वो दूसरे यानी सेकंड नंबर पे आने वाले हीरो हीरोइन का मेकअप करता था, वो उनको अगली बनाता था, ठीक है। इनके हिसाब से तो वो अगली बनाए जा रहे हैं ना। अब उसके बाद द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन। अब जूनियर जो सहायक था वो जो कॉमेडियन होता था उनकी फिल्म में, हास्य कलाकार, उसको भद्दा बनाता था, उसको अगली बनाता था वो, ठीक है। सो फोर्थ द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एंड ऑफिस बॉय। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि और यही क्रम इसी प्रकार चलता रहता था, उन अभिनेताओं का जो जिनकी की भीड़ की भूमिका निभानी पड़ती थी, उनकी जिम्मेदारी दफ्तर में काम करने वाले जो ऑफिस बॉय था उसकी होती थी। जेमिनी स्टूडियो में इस ये जो डिपार्टमेंट था मेकअप का, यहाँ पर एक ऑफिस बॉय भी था। अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि देखो छोटा मोटा नहीं था, वहाँ पे ऑफिस बॉय भी था। अगर वहाँ पे और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करनी है ना, बहुत सारे रोल कर रहे हैं, भीड़ का रोल करना है, तो उसको भी तो मेकअप लगाया जाएगा, तो उसका मेकअप कौन लगाएगा, वो जो ऑफिस बॉय होगा वहाँ पे वो लगाएगा मेकअप, ठीक है। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जॉइंट वेसल। अब वो कह रहे हैं कि जब आप देख सकते थे कि वहाँ पर इस तरीके की शूटिंग की जाती थी जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो, है ना,
तो जो वो जो ऑफिस बॉय था तो वो क्या करता था, वो बड़े बड़े वेसल्स में, बड़े बड़े पात्रों में क्या करता था, उस पेंट को मिलाता था एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, मिलाता था। और जो भीड़ की जो भूमिका निभा रहे हैं लोग, जो भीड़ में खड़े हुए हैं, उनके मुंह पे स्लैप करता था। स्लैप करने से मतलब थप्पड़ मारने से मतलब नहीं है, मतलब उनके मुंह पे वो पोतता था, ये कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे, ठीक है। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। अब देखो, आइडिया ये था, यानी मेन उद्देश्य ये था कि जो मेकअप करने की जो प्रक्रिया है उसमें उसके फेस के जितने भी छोटे 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 छिद्र हैं वो सब बंद हो जाएं, ठीक है, ठीक है। छोटे छोटे जितने पोर हैं वो सब बंद हो जाएं। तो ऐसा इसलिए किया जाता था कि वहाँ उसके फेस जो एकदम क्लीन दिखाई दे, ठीक है। अप्लाइंग मेकअप, ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय। अब वो आगे बता रहे हैं कि जिस बॉय की बात हो रही है, हम कह रहे हैं ना कि ये एक ऑफिस बॉय भी था, वो एग्जैक्टली एक लड़का नहीं था। क्या था वो? ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। अब बता रहे हैं कि ये जो जो हम ऑफिस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो बड़े से वेसल में इतना सारा मेकअप घोल के तैयार करता है, उन क्राउड को लगाता है, तो एक्चुअली में वो बॉय नहीं है, वो क्या है, एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो कि 40 वर्ष से समझ लो थोड़ा सा आगे है ना, उसकी जो एज है लगभग 40 के आसपास है। और वो इस आशा में स्टूडियो में आया था काफ़ी वर्ष पहले कि वो एक एक्टर बनेगा, एक राइटर बनेगा, बड़ा ऊंचा उच्च कोटि का राइटर बनेगा, या फिर डायरेक्टर बनेगा, या फिर गीत लेखक बनेगा, है ना, या फिर कुछ नहीं तो क्या बन जाएगा, वो छोटा मोटा पोएट ही बन जाएगा, कवि बन जाएगा। इस आशा में वो जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़, आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। देखो, अब वो बता रहे हैं कि उन दिनों मैं जो है वो जो वहाँ पर कमरा था उसमें काम करता था, वहाँ पे एक क्यूबिकल था, यानी वहाँ पर एक केबिन सी बनाई गई थी मेरी, मैं कहूँ तो मेरी एक छोटी सी कोठरिया बना दी गई थी, है ना, आज तो पुराने ज़माने के लोग कोठरिया बोलते थे, यानी एक केबिन बना दी थी छोटी सी, है ना, जिसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडो लगी हुई थी। फ्रेंच विंडो क्या होता है, देखो बच्चों, फ्रेंच विंडो आप ऐसे समझ लो कि जैसे ऐसे करके एक विंडो है, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पर, तो ये एक विंडो है, बिल्कुल उसी के साथ जो है दूसरी विंडो भी बनी हुई है, ठीक है, दूसरी विंडो भी बनी हुई है, तो यहाँ पर दो विंडो एक साथ बनी हुई है, तो वो इस तरीके से कि वो एक वहाँ पर फ्रेंच विंडो लगी हुई थी। और वो कह रहे हैं मुझे उस समय तक ये पता नहीं था कि ऐसी खिड़कियों को फ्रेंच विंडो कहा जाता है, ये बात मुझे पता नहीं थी। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। वो कह रहे हैं कि डेस्क पर बैठे हुए सारा दिन अखबारों को फाड़ते हुए देखकर बहुत से लोग सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में उनका काम क्या था कि जो न्यूज़ आई हैं कोई जेमिनी स्टूडियो के बारे में है, किसी उन वहाँ पर जो फिल्म शूट की गई है उसके बारे में है, या उनके डायरेक्टर्स के बारे में, तो उनका काम ये था कि वो न्यूज़ को उस न्यूज़पेपर में से कटिंग करके और उसको एक फाइल बना के रिकॉर्ड में रखना, ये उनका काम था। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, पहले ये सब नहीं था ना, तो ये उनका काम था। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को डेस्क पर बैठे हुए अखबार को फाड़ता हुआ देख के कुछ लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं बस ये फाड़ता रहता हूँ, जबकि मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, उनका काम। आगे देखो, कहते हैं इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। ये भी हो सकता है कि बॉस भी ऐसा ही सोचते हों। अब बॉस कौन, मैंने आपको शुरू में बताया था SS वासन इनके बॉस का नाम है, तो वो कह रहे हैं हो सकता है बॉस भी ऐसा सोचते हों। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिविन सम ऑक्यूपेशन वुड बैरेज इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर।
अब वो कह रहे हैं कि इसलिए जो कोई ये महसूस करता था कि मुझे कुछ काम और मतलब मैं फालतू बैठा रहता हूँ तो मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, तो वो क्या करता, मेरी केबिन में एकदम धड़धड़ाता हुआ घुसाता और लंबा चौड़ा भाषण मेरे को दे डालता था, है ना, मुझे अपना लेक्चर सुनाता था लंबा चौड़ा सा। द बॉय, अब ये देखो ऑफिस बॉय के बारे में बात की थी इन्होंने, अब उसके बारे में बताएंगे वो क्या करता था इनके साथ। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड पैरवर्ट्स। अब देखो वो लड़का जो है आके जब उनको अपनी इनको देखता है ना फालतू बैठे हैं, तो वो आके अपनी उनको कहानी सुनाता है। क्या बोलता है वो अपने बारे में, मेकअप डिपार्टमेंट के लड़के ने फैसला कर लिया कि मेरी जानकारी में ये लाया जाए, मुझे ये बताया जाए कि वो कितना महान है, मैं अपने बारे में बताऊं। अब वो क्या बता रहा है कि साहित्यिक प्रतिभा को, कि मैं इतना बड़ा साहित्यकार हूँ भाई, मैं राइटर बन सकता था, मैं पोइट बन सकता था, तो ऐसे जो है साहित्यिक प्रतिभा को ऐसे विभाग में यानी ऐसे डिपार्टमेंट में लगाकर जो केवल कैसा है डिपार्टमेंट, बार्बर्स का है, नाइयों का है ना, उन बार्बर्स के लायक है, वहाँ पर क्या हो रहा है मेरे टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं सब, है ना, मेरा जो जो भी टैलेंट है वो सब व्यर्थ हो रहा है यहाँ पे। वो अब उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इनको बताए कि देखो मैं आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है मेरे सारा जो भी टैलेंट है वो यहाँ पर बर्बाद कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। अब वो कह रहे हैं कि मैं जब उसकी ये सारी कहानियाँ सुनता था ना, उसकी ये बकवास सुनता था, तो मुझे क्या लगता था, मुझे ये लगता था कि जल्दी से ऐसा हो जाए भगवान, मैं प्रार्थना करता था कि क्राउड शूटिंग शुरू हो जाए, यानी बहुत सारी भीड़ की शूटिंग की जाए, ऐसी शूटिंग हो जहाँ पे भीड़ की ज़रूरत हो, क्योंकि तो भीड़ की ज़रूरत होगी तो वो काम में लग जाएगा ना ऑफिस बॉय जो है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि जल्दी से भीड़ वाली शूटिंग शुरू हो जाए, ठीक है। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, इससे कम कुछ भी मुझे उसके महाकाव्यों से नहीं बचा सकता था, कि उसकी जो जो राम गानी वो जो सुनाता था, मैं उससे तभी बच सकता था जब जो है उसको काम मिल जाए, किसका, वो भीड़ का मेकअप करने का, तो उसके जो एपिक्स है बड़े बड़े मैं तभी बच सकता था। इन ऑल इंटेंसेस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज इग्नोमली एंड निग्लेक्ट वर ड्यू टू द कोटा मंगलम सुबू। अब देखो यहाँ पर एक नया व्यक्ति इंट्रोड्यूस हुआ, कोटा मंगलम सुबू, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, पहले अब देखते हैं ये ऐसा क्यों हो गया था, ये जो बॉय था ऑफिस बॉय जो था वो इस तरीके की बातें क्यों करता था। देखिए वो बता रहे हैं कि निराशा के सभी अवसरों पर आप हमेशा पाएंगे कि गुस्से का एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई निशाना होता है, मतलब गुस्सा क्यों आता है, किसी ना किसी कारण से आता है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि गुस्से का एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक निशाना होता है, जो कि एक ना एक कोई व्यक्ति होता है ना उसी पर गुस्सा आता है आपको, तो ऐसा कुछ इसके साथ भी था। और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट के जो आदमी था उसका विश्वास ये था कि उसके सारे दुख, सारी परेशानी, सारा तिरस्कार और उसको जितना भी ये जो यहाँ पर उपेक्षा झेलनी पड़ रही है, वो सब का कारण क्या था, कोटा मंगलम सुबू के कारण होता था ये। अब ये कोटा मंगलम सुबू कौन है, चलिए अब इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। आप देखिए पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम ऑफिस बॉय के बारे में पढ़ रहे थे, वो ऑफिस बॉय के बारे में बता रहे थे, अब उन्होंने दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया हमको, इंट्रोड्यूस किया किसका नाम, कोटा मंगलम सुबू का। सुबू वाज द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो। अब ये जो कोटा मंगलम सुबू हैं ये जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर थे, पहले नंबर पर कौन थे, बॉस एस एस वासन, ठीक है, अब दूसरे नंबर पर कौन थे, कोटा मंगलम सुबू थे, ये उनके बारे में बता रहे हैं कि वो दूसरे नंबर थे। सू वॉज द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो, ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। हमारे बड़े
हमारे बड़े मेकअप करने वाले करने वाला जो लड़का था, यानी जिस जो बात हो रही है किसकी, ऑफिस बॉय की, लड़के की अपेक्षा उसको कोई ज़्यादा उत्साहजनक शुरुआत नहीं मिल सकती थी। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो लड़का जिस इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसको इससे ज़्यादा और उत्साहजनक शुरुआत नहीं मिल सकती थी जितनी उसको मिली हुई है, जितना काम मिला हुआ है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं वो, एनक्रेज ओपनिंग इन द फिल्म देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड अ फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स फॉर वेन ही बिगेन हिज कैरियर। देयर वर नो फ्रेंडली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। आप बता रहे हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत उसको और भी अनिश्चित और मुश्किल समय का सामना करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उस जब उसने अपना काम शुरू किया था तो कोई पूरी तरीके से स्थापित फिल्म बनाने वाली कंपनियां या स्टूडियो नहीं थे। एकमात्र ये जेमिनी स्टूडियो था जिसमें उसको ये काम मिला था। वो ये बता रहे हैं कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। उस समय तो और ज़्यादा परेशानी आई होंगी क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं, एक ये ही था जिसने उसको काम दिया था और जब उसने अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन सुबू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय। अच्छा देखो, अब उन्होंने ये चीज़, वो जो बॉय था ना वो इनसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता था, क्यों इनको अपना कॉम्पिटिटर मानता था, क्योंकि वो उसने बताया वो पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो बता रहे कि जो है शिक्षा के मामले में भी अगर हम बात करें तो वो जो लड़का था वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन इनने इतनी फॉर्मल जो है एजुकेशन नहीं ले रखी थी। किसने? सुबू ने। वो इतनी ऊंची पोस्ट पर थे, जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर थे, जबकि वो बेचारा क्या था, वो अकेला ऑफिस बॉय की तरह काम कर रहा था, तो इसलिए वो उनसे थोड़ा जेलिस रहता था। तो वो इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो हमारा बॉय था उनकी तुलना में सुबू ने फॉर्मल शिक्षा उतनी नहीं ली थी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। सुबू कुडंट हैड अ एप्रोप्रिएट लीड ओवर अवर बॉय। तो सुबू जो है शिक्षा दीक्षा में तो हमारा जो लड़का है उसके उससे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, उसके आगे नहीं थे, बिल्कुल उसके आगे तो थे ही नहीं। लेकिन अब आगे बताएंगे क्या खास बात क्या थी। बट वाई वर्च्यू ऑफ बींग बॉर्न अ ब्राह्मण अ वर्च्यू इंडीड ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस। एक ब्राह्मण के रूप में पैदा होने के कारण जो वास्तव में उनकी एक खूबी थी, एक गुण था, उसका जो है उसका ही असर पड़ा था। आप ये समझ लीजिए उसका ही अधिक जो सिचुएशन थी, जो परिस्थितियाँ थी, उस पर ही असर पड़ा था। ब्राह्मण थे तो मोस्ट बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था, पैसे वाले थे तो वही एक्सपोजर का उनका कारण रहा था, इसीलिए वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतने ज़्यादा प्रिय बन गए। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो ब्राह्मण थे। ठीक है, एफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल। ठीक है, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। अब वो बता रहे हैं कि उनका लोगों पर इतना असर पड़ा क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे, बड़े परिवार से थे, उतना लोगों को इनका असर पड़ा लोगों पर। एक असफल यानी फ्लॉप फिल्म में काम करने के बाद भी उसमें प्रसन्न रहने की क्षमता थी। अब देखो उनके गुण बताएंगे कि पहले बता दिया कि ब्राह्मण थे इसलिए उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई, इतनी परिस्थितियों का सामना इस तरीके से उन्होंने कर लिया, लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया, लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि एक फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी उनमें जो है प्रसन्न रहने की क्षमता थी, खुश रहते थे, कोई बात नहीं हो गई तो हो गई फ्लॉप। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन बट His sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. देखिए
उनके पास, किन की बात हो रही है, सुबू के पास, उनके पास हमेशा किसी न किसी के लिए काम रहता था। मतलब वो हमेशा किसी न किसी को काम देते रहते थे, ऐसा नहीं फालतू बैठा है आदमी तो बैठा रहे। नंबर टू पे थे, उनकी जिम्मेदारी थी, है ना, वो खुद ना करके दूसरों से काम कराते थे। उनके पास हमेशा किसी न किसी के लिए काम रहता था, वे अपने आप कुछ नहीं कर सकता था, किंतु उनकी जो लॉयल्टी थी, उनकी जो वफादारी थी, उसके कारण अपने जो प्रिंसिपल थे, जो मेन थे, उनसे उनके जो संबंध थे वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ थे, ठीक है। और अपनी जो जितनी उनकी क्रिएटिविटी थी, जितनी उनकी एबिलिटी थी, योग्यता थी, उनके फ़ायदे जो जो है अपने प्रमुख को पहुंचाते थे, यानी उनके जो प्रमुख थे, जो प्रिंसिपल थे, मेन व्यक्ति जो थे, जेमिनी स्टूडियो का जो भी उनकी जिम्मेदारी थी उसको बहुत अच्छे से निभाते थे, और अपने क्रिएटिविटी की, अपनी योग्यता की जो भी उनके पास चीज़ें थी, उन सबसे वो हमेशा उनको फ़ायदा ही पहुंचाते थे। किसको? प्रिंसिपल्स को, ठीक है, राइट, जो प्रमुख थे वहाँ के, उनको। आगे देखिए, आगे बताते हैं। अब ये जब इतने ज़्यादा लॉयल थे अपने काम के प्रति, तो ये चीज़ तो अच्छी थी ना। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्मों के लिए जो है ट्रेलर बनाया करते थे, बिल्कुल उपयुक्त थे, बिल्कुल उपयुक्त चीज़ें, छोटे छोटे ट्रेलर्स, इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे वो, तो इसीलिए उनका सब आदर करते थे, ठीक है। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड वेन कमांडेड, अब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक और व्यक्ति था, एक ऐसा आदमी था जो कि उनके आदेश मिलने पर प्रेरित हो सकता था, एक ऐसा और व्यक्ति था यहाँ पर। द रेट फाइट्स द टिगर्स अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। अब वो आगे बता रहे हैं कि जो है एक ऐसा व्यक्ति था, अब वो व्यक्ति कौन था और क्या उसके बारे में बताएंगे, इन्होंने कैसे उनकी मदद की, क्या हुआ, आगे बता रहे हैं वो देखिए। कि जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जो ट्रेलर बनाते थे फिल्मों के, हमने अभी पढ़ा था उनके बारे में। तो वो ऐसे आदमी थे जो किसी के आदेश मिल जाए बस कि भाई देखो ये काम करना है, तो उससे तुरंत प्रेरित हो जाते थे। तो अब देखो, अब उन्होंने सिचुएशन दी है, यहाँ पे एक सिचुएशन थी फिल्म की कि पानी के नीचे चूहा शेरनी से लड़ता है और उसको मार देता है, परंतु वह उसके बच्चों के को देखकर वो बेचारा दुखी हो जाता है, उस पर दया आ जाती है, प्यार से देखभाल करता है, दया दुखी होता है तो उसकी देखभाल करता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा डायरेक्टर ने कि मैं नहीं जानता कि ये जो सीन है ना वो कैसे किया जाए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि भाई कैसे किया जाए, ये सीन होगा कैसे अंडर वाटर, ये सीन इस तरीके से कैसे होगा, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन, द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टम्स ऑफ स्प्रिंग। अब देखो, अब जब ये बात सुबू के कानों में पड़ी तो सुबू ने क्या जवाब दिया, उसको अपने शिकार के बच्चों को प्यार करने के चार तरीके बताते हैं वो, ठीक है, कि हम चार तरीकों से इसको हम फिल्मा सकते हैं, शूट को शूटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक ही बार, मतलब उनसे, उनके सामने सिचुएशन रखी तो उनने चार बता दी कि हम कैसे करेंगे ये काम, ठीक है। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफ़ेक्टिव एनफ, लेकिन अब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा परंतु मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये जो है चीज़ें बहुत प्रभावशाली होंगी, अब वो कह रहे हैं उनको ये चीज़ प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। अब प्रोड्यूसर जैसे ही कहता है ना कि मैं इम्प्रेस नहीं लग रहा, मुझे इम्प्रेसिव नहीं लग रहा ये, तो वो क्या करते हैं एक मिनट में ही 14 और तरीके बता देते हैं, लो भैया 14 और दे दिए भैया, इनमें से कुछ अपना लो। यानी वो व्यक्ति जो है क्रिएटिव था, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती थी, तो इसीलिए इतना सब आदर करते थे, इसीलिए वो नंबर टू पे थे। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुबू अराउंड, एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। सुबू जैसे आदमी के पास होने से फिल्म बनाने का काम
ज़रूर बहुत ही आसान रहा होगा उस समय में, ठीक है, बहुत आसान रहा होगा और था भी, वो ये कहना चाह रहे हैं। और अगर कभी जेमिनी स्टूडियो के सुनहरे वर्षों के दौरान ये बताया जाए, गोल्डन ईयर्स के दौरान ये बताया जाए कि उस समय कौन था, उसकी परिभाषा की अगर बात की जाए कोई, कि जेमिनी सर्कस कैसे इतना फला फूला, उस दौरान में क्या हुआ, दिशा और परिभाषा देने वाला कोई और व्यक्ति था तो वो कौन थे, सुबू थे, ठीक है, डेफिनेशन और डायरेक्शन देने वाले सुबू थे। सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस। अब देखिए वो कह रहे हैं कि कवि के रूप में सुबू की अलग पहचान थी, और हालांकि वे निश्चित रूप से और अधिक ज़्यादा कहा जाए पेचीदगी से और अधिक ज़्यादा डीपली थे, बहुत उन्नत प्रकार के वो कविता लिख सकते थे, बहुत बढ़िया कविता लिख सकते थे, परंतु उन्होंने जानबूझकर आम जनता के लिए कविताएं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी। बड़ी जो है ऐसी भी कविता लिख सकते थे, कभी आप अपन पोइट पढ़ते हैं, पोइट की पोइट्री पढ़ते हैं तो क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ना हमको समझ नहीं आती हैं, तो वो किस तरीके की होती हैं, बहुत क्रूशियल होती हैं, है ना, पेचीदगी से भरी हुई होती हैं, लेकिन वो जानबूझ के बिल्कुल ऐसी कविता लिखते थे जो जनता की समझ में आ जाए, इस तरीके का वो काम करते थे। ऐसा नहीं है कि वो पोइट ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पोइट्री नहीं लिख सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करते थे कि जिससे जनता की समझ में आए सिंपल लैंग्वेज में लिखें। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शोड एंड ड्रॉफ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट। फिल्मों में भी उसकी सफलता उसकी साहित्यिक उपलब्धियों पर छा गई, यानी वो पोइट होने के साथ साथ वो फिल्मकार भी थे, तो फिल्म में इतनी ज़्यादा उनको प्रसिद्धि मिली कि उनकी जो पोइट की जो उनकी एबिलिटी थी कि वो एक पोइट भी हैं, वो चीज़ें उससे ढक गई, ठीक है, वो उस पर छा गई वो। तो एक्चुअली में हुआ किए कि जो फिल्म को इतनी ज़्यादा उनको सक्सेस मिली ना, तो उनका पोइट की जो छवि थी वो उसको बौना बना दिया उसने, यानी पोइट की छवि छोटी रह गई और वो एक फिल्मकार ज़्यादा बड़े बन गए। ऐसा किसने महसूस किया, जो जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उन्होंने ऐसा बोला कि वो इतने बड़े अच्छे फिल्मकार थे, इतने अच्छे फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो इतनी अच्छी अच्छी वहाँ पर सीन्स क्रिएट करके देते थे, तो ये चीज़ ज़्यादा फेमस हुई बजाय उनकी पोइट्री के, जबकि वो बहुत अच्छे पोइट भी थे। ये किसने फील किया ऐसा, क्रिटिक्स ने उनके बारे में इस तरीके का लिखा है। अशोकमित्र ने पढ़ा है बहुत सारी बुक्स उनके बारे में, तब वो उनके विषय में ऐसा लिख रहे हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स एंड फोक रिफ्रेन एंड डिक्शंस एंड आल्सो रोट स्प्रॉलिंग नोवल्स थलाइना महानंबल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफिल्टी एज्ड करेक्टर्स। अब देखो उनके बारे में बताना है कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने वास्तव में कई मौलिक कथा, काव्य, लोक कथा शैली लिखी। उन्होंने एक थिलोन महानंबल नाम का एक बड़ा नोवेल भी लिखा, ठीक है, जिसमें उन्होंने दर्जनों निपुणता से नक्काशी किए गए पात्र थे, मतलब इतने अच्छे पात्र उसमें दिखाए उन्होंने, है ना, डेफली एज्ड करेक्टर्स, उसके करेक्टर इतने अच्छे नक्काशी किए गए, इसे मतलब ऐसा नहीं उन पर पेंटिंग हो रखी थी, यानी वो इतने करेक्टर के अच्छे थे, उसमें इतने अच्छे अच्छे करेक्टर दिखाया गया, उनके चरित्र को इतना अच्छा दिखाया गया कि लोग उससे इम्प्रेस हो गए, ठीक है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th century। अब देखिए प्रारंभिक 20वीं शताब्दी की देवदासियों के भाव और तौर तरीके काफ़ी सफलतापूर्वक फिर से पैदा कर दिए उन्होंने। देवदासीज पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती है, अब 1988 में उस पर बैन लगा दिया गया है, पहले वहाँ के मंदिरों में देवदासीज की प्रथा थी। तो देवदासी के बारे में उन्होंने
बहुत अच्छे थे, सफलतापूर्वक फिर से सबको समझाया बताया, ठीक है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, बट वट एवर सब्साइडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। वो एक आश्चर्यजनक एक्टर भी थे, अभिनेता भी थे। उन्होंने कभी भी मुख्य भूमिकाओं के लिए आकांक्षा नहीं की, मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा भाई मैं, मेरे को जो है मेन लीड रोल चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन किसी भी छोटी मोटी जो भूमिका उन्होंने निभाई किसी भी फिल्म में, तो ऐसा कहते हैं सब लोग कि मुख्य जो कलाकार होते थे ना, मुख्य अभिनेता अभिनेत्री होते थे, उनकी अदाकारी से भी अच्छी अदाकारी उनकी होती थी, वो इतना अच्छा परफॉर्म करते थे। यानी ये जो व्यक्ति था, वन मैन आर्मी था, इसके पास सारे गुण थे, इतना इतना टैलेंटेड था ये, है ना। मेन प्लेयर से, मेन जो रोल प्ले कर रहे हैं उनसे भी अच्छा रोल प्ले करते थे। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंट फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस ऑफ एक्यूटेंस। एक्यूटेंस मतलब जान पहचान के लोग। अब बताते हैं कि वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, आप ये समझिए कि वो जिससे भी मिलते थे ना, उनके प्रति उसके दिल में एक सच्चा प्यार होता था, है ना, सुबू के दिल में सच्चा प्यार होता था। और उनका घर दर्जनों नज़दीक और दूर के रिश्तेदारों और परिचितों का एक स्थायी निवास होता था। मतलब जो भी वहाँ आया मद्रास, आके उनके घर पर रुक गया, भैया वो मेरे, अरे वो मेरे रिश्तेदार हैं, अगर वो मेरे वहाँ पर रहते हैं इस तरीके से, और वो सबको स्वीकार करते थे, सबको घर पर रखते थे, तो दर्जनों लोग उनके घर पर आके इस तरीके से रुकते थे, वो सबसे प्यार करते थे, ठीक है। इट सीम्स अगेंस्ट सुबूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। इस बात का आभास होना भी कि वे इतने आदमियों को खिला पिला रहे थे और सहारा दे रहे थे, सुबू के स्वभाव से मेल नहीं खाता था। मतलब किसी को ये लगता था कि मतलब सुबू तो स्ट्रिक्ट थे ना, वो सबको काम देते रहते थे, तो किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि इतने सारे लोगों, जब इतने लोग आते हैं रहते हैं उनके घर में, तो सबको बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खिला रहे हैं, बड़े आराम से फ्री में सब लोग रह रहे हैं, तो ये सुबू के नेचर से मेल नहीं खाता था, जैसा लोग समझते थे कि उनका नेचर ऐसा है कि वो स्ट्रिक्ट हैं बहुत, इस तरीके के हैं, ठीक है। सच द चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, एंड येट ही हैड एनिमीज। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। अब वो देखो, अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इतना परोपकारी है, इतना दूसरों पर खर्च करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन भी हो सकता है। वो था ना, दुश्मनी रखता था ना वो जो ऑफिस बॉय था, तो वो दुश्मन भी हो सकता है। अब ये खुद सोच रहे हैं अशोकामित्र। अब वो कह रहे हैं क्या ये इसलिए था कि वो अपने बॉस के इतना नज़दीक थे, उनके इतने इंटीमेट थे, इतने घनिष्ठ थे बिल्कुल, ऐसा इसलिए था। बॉस कौन? SS वासन। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि SS वासन दोस्त बॉस हैं, तो बॉस के वो इतने ज़्यादा नज़दीक थे, शायद इसलिए उससे दुश्मनी थी। या और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या उसका सामान्य व्यवहार ऐसा था कि जिससे लगता था कि वह चापलूसी करता है ना, हर किसी के संग इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, तो उसका तो कभी कभी इरिटेशन हो जाता ना, ज़्यादा अच्छा व्यक्ति भी दिख जाए तो हमको विश्वास नहीं होता कि भाई ये इतना अच्छा कैसे है, कुछ तो गड़बड़ है, तो बस वही वाली बात है। या फिर उनका जो व्यवहार था सबके प्रति इतना अच्छा था, शायद इसी वजह से उससे दुश्मनी रखता था, ठीक है, ये भी हो सकता है। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू। बात कुछ भी हो, मेकअप डिपार्टमेंट का ये आदमी सुबू के लिए बुरी से बुरी बातों की कामना करता था। कौन सा आदमी? वो ऑफिस बॉय जो था, क्योंकि वो आके अपनी सारी कहानी सुनाता था ना, इसलिए उनको सब पता है उसके बारे में। यू सो सुबू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्राइजिंग
अ लॉयर एंड द असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। सुबू को हमेशा बॉस के साथ देखा जाता था, लेकिन एक अटेंडेंस रजिस्टर के साथ, है ना, वो जो है वो जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट कहे जाने वाला जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, वहाँ के जो ग्रुप्स थे वहाँ उस समूह के अंतर्गत होता था। वो होता तो था वहाँ पे, लेकिन वो जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, हिंदी में अगर कहूँ तो कथानक विभाग कहे जाने वाले समूह के अंतर्गत होता था। वो हमेशा उनके साथ होता था, लेकिन कहाँ पे होता था, मतलब काम के साथ होता था, ऐसा नहीं फालतू चापलूसी कर रहा है। जिसमें कौन कौन थे देखो, उस डिपार्टमेंट में कौन थे, ग्रुप अंडर द डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग द, अब इसमें कौन था, एक लॉयर था एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। एक लॉयर था, लेखकों और कवियों की एक असेंबली थी, एक मंडली होती थी, वहाँ बहुत सारे लेखक और कवि होते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ सुबू की बात हो गई, अब बात शुरू की लॉयर की इन्होंने। अब देखिए, लॉयर वॉज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। अब वो कह रहे हैं कि जो लॉयर होता है उसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं, आधिकारिक रूप से क्या बोला जाता है, एक कानूनी सलाहकार बोला जाता है। ठीक है, यही तो बोलते हैं, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सभी उस वकील को इसके विपरीत बुलाते थे, यानी जैसे क्या बोलते हैं, लॉयर एडवाइज़र की जगह लीगल एडवाइज़र की जगह इलीगल एडवाइज़र बुलाते हैं। एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस। अब देखो ऐसा क्यों बुलाते हैं, वो बता रहे हैं ऐसा हुआ क्या था आखिर कि उसको इलीगल एडवाइज़र बनने लगे। अब बता रहे हैं कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। अब बता रहे हैं कि एक बार बहुत टैलेंटेड, अत्यंत प्रतिभाशाली एक एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, जो काफ़ी कैसी थी, तुनक मिजाज थी, टेम्परामेंटल थी, यानी शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, तुनक मिजाज थी। ठीक है, तो एक बार सेट पे क्या हुआ, वेंदा ब्लो अपेंटा मतलब वंस ब्लो ओवर ऑन द सेट। एक बार सेट पे क्या हुआ, वाइल एवरीवन स्टूड स्टन, वो जो उसका गुस्सा एकदम फूट पड़ा, वो गुस्सा हो गई और हम सब लोग एकदम स्टन, हक्के बक्के हो गए, सब चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे। ठीक है, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब इस लॉयर ने क्या किया, तभी वकील ने चुपचाप रिकॉर्ड करने वाली जो मशीन थी ना उसको चला दिया, मतलब उसकी बिना परमिशन के वो जो उस समय बोल रही थी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ द लॉयर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। और जब वो जो एक्ट्रेस थी वो सांस लेने के लिए, मतलब गुस्से में बोले जा रही थी, उसके बाद थोड़ी सांस लेने के लिए जब वो रुकी तो वकील ने उससे कहा कृपया 1 मिनट, ऐसे बोला उसको, 1 मिनट रुको रुको ज़रा, और उसने जो वो रिकॉर्ड किया था ना वो मशीन फिर से प्ले कर दी, फिर से चला दिया उसने सब कुछ। अब क्या हुआ, उस सब कुछ प्ले कर दिया, देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेस ट्रेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। अब जो है जो भी कुछ उसने बोला था उस एक्ट्रेस ने, जो भी गुस्से में एकदम भाषण दिया था प्रोड्यूसर के अपोजिशन में, जो भी बातें कही थी उसने, है ना, दोषारोपण जो भी किया था उसने कहा था, तो लेकिन जो बातें वो कह रही थी तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसने कुछ गलत बोला हो प्रोड्यूसर के लिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो उसने कुछ बद्दी बात कही हो उस रिकॉर्डिंग में, उस प्लेबैक में, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं था। बट When she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ दोबारा उस जो जो उपकरण था, वो जो रिकॉर्डिंग थी, उसको दोबारा सुनी तो वो जो है हक्की बक्की रह गई, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा कि मतलब मैं ऐसा बोल रही थी गुस्से में और इसने जो है रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको वो एकदम हक्की बक्की रह गई, उसको बुरा लगा। A girl फ्रॉम द कंट्री साइड। अब ये जो एक्ट्रेस थी टैलेंटेड तो बहुत थी, लेकिन वो कंट्री साइड से आई थी, है ना, यानी वो गांव की रहने वाली लड़की थी। ठीक है, शी हैडन्ट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ
वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रसीड द पोजिशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैपुलेटेड इन टू। अब देखो वो लड़की जो है जब गांव से आई थी, वह लड़की जीवन के अनुभवों की सारी अवस्थाओं से नहीं गुजरी थी। देखो छोटी थी उम्र में गांव से आई थी, तो आमतौर पर महत्वपूर्ण स्तर और दुनियादारी की स्थिति पे पहुंचने से पहले लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बच्ची थी, छोटी थी, तो इतना सब कुछ नहीं जानती थी, है ना। शी नेवर क्वाइट रिकवर फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। द लीगल एडवाइज़र हु वॉज आल्सो मेम्बर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। तो उस दिन जो हुआ है ना, तो जिस तरीके की घटना, उसकी बिना परमिशन के उसकी सब कुछ रिकॉर्ड कर ली गई बातें और इस तरह से प्ले कर दिया गया, तो ये सब जो कुछ हुआ ना उससे उसको क्या हुआ, वो एकदम से डर गई, उसको बुरा लगा और फिर उसने क्या किया, एक्टिंग छोड़ दी और वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई तो वो पूर्ण रूप से कभी ठीक ही नहीं हो पाई। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक छोटा सा कैरियर और शानदार कैरियर था उस अभिनेत्री का, उसके भविष्य का अंत हो गया इस कानूनी सलाहकार की वजह से, ठीक है, लीगल एडवाइज़र की वजह से, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का एक सदस्य था। उसकी वजह से उस अभिनेत्री का जो भी करियर था वो पूरा ख़त्म हो गया। हालांकि वो ऐसा चाहता नहीं था लेकिन हुआ। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवर साइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड विद खादी शर्ट द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। देखो बच्चों, इसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम, वो मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे थे, अब आपको ये बताएंगे जेमिनी स्टूडियो के कौन से डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो बता रहे हैं कि वहाँ क्या होता था, वहाँ के जो लोग थे ना उनका एक ड्रेस था, ड्रेस कोड था, वो सभी जो है वही पहना करते थे, है ना। अब क्या पहनते थे उसमें, वो वहाँ के जितने भी सदस्य थे वो एक यूनिफॉर्म पहना करते थे। अब उस यूनिफॉर्म में क्या था, खादी की धोती और एक बड़े से आकार का ढीला ढाला सा जो है क्लमजी सा ढीला ढाला सा सिला हुआ सफ़ेद खादी की कमीज़ पहनते थे। लेकिन ये जो एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र, कानूनी सलाहकार जो थे, वो क्या करते थे, वो पैंट पहनते थे, टाई बांधते थे और कभी कभी कोट भी हैं। और वो कोट कैसा नज़र आता था, एक कवच की तरह। आपने कभी किसी सोल्जर्स को देखा हो पुरानी फिल्म्स में, तो वो लोहे का उस पर कवच सा लगा होता है, तो वो कभी कभी उनका कोट उस तरीके का भी होता था, ठीक है। तो यानी ये सबसे हटके, ये जो है हमारे एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र, ये सबसे हटके ड्रेस पहना करते थे। थे तो वहीं उसी डिपार्टमेंट के सदस्य थे लेकिन ड्रेस अलग थी उनकी। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स अ नेचुरल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी टीज एंड खादी टीज। आप देखिए कभी कभी क्या होता था कि वहाँ के जितने भी लोग थे ना वो सब लोग कैसे थे, इमेजिनेशन में रहते थे और गांधीवादी थे, खादीधारी थे, गांधीवादी थे, खादीधारी थे। तो बातों को जैसे पोइट लोग हैं, राइटर लोग हैं, है ना, लेकिन ये जो था तुम्हारा लीगल एडवाइज़र, वो कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करता था। क्यों, क्योंकि वो जो बात कहता था ना, ये जो बात सुनता था, वो तार्किक दृष्टि से देखता था, लॉजिकली देखता था चीज़ों को, उनकी तरह नहीं कि इमेजिनेशन में बात जो हो गई वो हो गई, ऐसा नहीं था, वो तटस्थता के साथ। तो इस तरीके से कभी कभी वो बिल्कुल सबके बीच में भी अकेला पड़ जाया करता था, उन गांधीवादियों के बीच में, खादीधारियों के बीच में कभी कभी अकेला पड़ जाए। वो भीड़ सबकी कैसी थी, ड्रीमर्स की थी, वो कल्पनावादी थे, वही राइटर्स थे, पोइट्स थे, तो वो कल्पनावादी थे, लेकिन ये कैसी बातें करता था, ये लॉजिकल बातें करता था, तो कभी कभी अपने आप को अकेला पाता था वो। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, अब उनमें से बहुत सारे उन लोगों की तरह से
जो बॉस के काफ़ी नज़दीक थे, बहुत सारे लोग थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट। अब वो कह रहे हैं जैसे बहुत सारे लोग, जो पहले बताया उन्होंने कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके करीब थे बॉस के, तो उनको एक फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिलता था, तो इसको भी मिला, इसको भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने की इजाज़त मिल गई। अब उसमें जो है, जब इजाज़त मिली तो इसमें उसने बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज़ किया, पैनकेक बहुत सारे यूज़ किए गए, है ना, खर्चा तो इसने बहुत करवाया, लेकिन उस फिल्म से बहुत ज़्यादा मिला नहीं, यानी वो फिल्म बहुत ज़्यादा चली नहीं, ठीक है, कुछ ज़्यादा पाया नहीं। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट वर आस्क्ड टू गो होम। आप बता रहे हैं कि देखो इसको फिल्म दी गई लेकिन इसकी फिल्म चली गई, तो आगे बता रहे हैं कि बॉस ने क्या किया, ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट था ना उसको ही बंद कर दिया उसके बाद। तो मानव इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जहां एक वकील इसलिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा क्योंकि कवियों की छुट्टी कर दी गई थी। हालांकि था तो ये वकील, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद हो गया, और ये क्या था, एक स्टोरी डिपार्टमेंट का ही सदस्य था। तो वो कह रहे हैं कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पोइट की छुट्टी कर दी गई, कवियों की छुट्टी कर दी गई, इसलिए एक वकील बिल्कुल अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए क्या बताते हैं वो जेमिनी स्टूडियो के बारे में। आगे बता रहे हैं वो SDS योगेर संगु सुब्रमण्यम कृष्णा सस्टर और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सुब्रमण्यम हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इट हैड एन एक्सलेंट मास विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। अब ये जितने व्यक्तियों के नाम लिए, ये कौन थे, ये बड़े बड़े राइटर्स हैं सब, SDS योगेरा संगु सुब्रमण्यम कृष्णा सस्टया और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का जेमिनी स्टूडियो क्या था, एक मनपसंद अड्डा था। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मैस था ना, वहाँ पर सारा दिन और काफ़ी देर रात तक भी बहुत बढ़िया कॉफ़ी मिला करती थी, तो वो यहाँ पर जो है कॉफ़ी पीने आया करते थे जेमिनी स्टूडियो के मैस में। ठीक है, दोज वर द डेज वेन कांग्रेस रूल मींट प्रोविटेशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। ये वे दिन थे जब कांग्रेस शासन का मतलब था कि वहाँ पर निषेध था, प्रोविटेशन था, यानी यहाँ पर मना किया गया था। क्या क्या मना किया गया था, जो है कोई भी नशा करने को मना किया गया था, और कॉफ़ी के एक प्याले पर मुलाकात होना एक संतोषजनक मनोरंजन था, क्योंकि कोई भी नशा करने को मना कर दिया गया था उसमें। ठीक है, उस रूल में ये कहा गया था। तो वो कह रहे हैं कि एक कॉफ़ी पर मुलाकात होना ही एक वहाँ पर एक सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, संतोषजनक मनोरंजन रह गया था, मतलब कोई सभा वभा नहीं करनी थी उस समय, ऐसा समय था, तो फिर क्या करें, कॉफ़ी पी लें यहीं मैस में आके। ठीक है, बैरिंग ऑफ द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ अ क्लर्क्स एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर अ प्री रिक्यूसाइट फॉर पोइट्री। अब आगे बता रहे हैं कि दफ्तर में काम करने वाले कुछ लड़कों और एक आधा क्लर्क को छोड़कर स्टूडियो का हर आदमी फुर्सत में दिखाई देता था, जो कि कविता करने के लिए एक जो है अच्छी जगह हुआ करती थी, पूर्वाक्षेप हुआ करता था। पूर्वाक्षेप का मतलब होता है प्री रिक्यूसाइट पोइट्री, मतलब पहले से सोची हुई पोइट्री। तो वहाँ पर देखो, उस स्टूडियो में जितने लोग लगे हुए थे ना, वो कुछ ना कुछ करते थे, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे अपना। तो कह रहे हैं दफ्तर में काम करने वाले कुछ लड़कों और एक आधा क्लर्क को छोड़ दो तो स्टूडियो का हर आदमी फुर्सत में दिखाई देता, जो कि कविता करने के लिए एक उसकी पूर्वाक्षेप होता था, यानी पहले से तैयार होता था पोइट्री करने के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी। उनमें से काफ़ी खादी पहनते थे, बहुत सारे उनमें से
बहुत लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, ठीक है। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, परंतु इससे बियॉन्ड, इसके परे यानी इसके अलावा उनको किसी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा में जरा भी रुचि नहीं थी। मतलब गांधी जी की पूजा करते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे, पर ऐसा नहीं था कि राजनीति से कोई लेना देना था उनका, बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फेलियल और कॉन्जुगल लव, ही हैड नो कम्प्लिकेशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। अब देखिए ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, अभी यहाँ तक पढ़ के आपको समझाती हूँ। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो लोग थे किसी भी प्रकार से विचारधारा के नहीं थे, राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, लेकिन वो लोग जो है किससे घृणा करते थे, कम्युनिस्ट लोगों से, कम्युनिज्म लोगों से, वो उन लोगों से वो हेट करते थे, वो किसी तरीके से उनको नहीं पसंद करते थे। वो क्यों नहीं करते थे, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे ना, ये कैसे थे, नास्तिक होते थे, और उनमें किसी भी प्रकार की दया भावना कुछ नहीं होती थी, कुछ नहीं। वो क्या करते थे, वो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, किसी से प्रेम नहीं होता था, है ना, किसी से प्रेम नहीं होता था। ही हैड नो कंपेंशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, उनको जरा भी दया नहीं होती थी, अपने पेरेंट्स को, अपने और हिज चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। मतलब ना तो अपने बीवी बच्चों से, ना अपने माता पिता से, किसी से कोई प्रेम ही नहीं था, तो ना उन्हें मारने में उन्हें कोई खेद होता था। वो हमेशा बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के ही क्या करते थे, भोले वाले लोगों में अशांति फैलाने का काम करते थे, बस और कुछ नहीं था। भोले वाले जो लोग थे, ना समझ लोग थे, उन लोगों में अशांति फैलाते थे। सच नोशंस विच प्रिवेलेड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम आल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेग्यूली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब बता रहे हैं कि उस समय भी सारे दक्षिण भारत में दूसरी हर जगह पर ऐसे विचार प्रचलित थे, यानी बहुत लोग थे ऐसे, तो स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो के खादीधारी कवियों में भी ये अस्पष्ट रूप से प्रचलित था। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, इसका सबूत जल्दी ही सामने आने वाला था। मतलब वो खादीधारी थे, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे, इसका भी सबूत सबसे जो है सामने आने वाला। वेन फ्रेंच वेचमेंस मॉरल डी आर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज। जब फ्रेंच वेचमैन की मॉरल री आर्मामेंट आर्मी के लगभग 200 लोग 1952 में किसी समय मद्रास आए, तो उनको जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा स्नेही मेजबान भारत में कोई और नहीं मिल सकता था। जेमिनी स्टूडियो जैसा अच्छा और इतना ज़्यादा सबको सम्मान देने वाला, प्रेम करने वाला, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इससे ज़्यादा वार्म होस्ट उनको नहीं मिल सकता था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने इस ग्रुप को क्या बोला, ये अंतर्राष्ट्रीय सर्कस का एक ग्रुप है, ये कोई सर्कस है जो बाहर से यहाँ आया है, ठीक है। दे वारंट वेरी गुड ऑन द ट्रैब्स एंड देयर एक्यूटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। अब बता रहे हैं हमको अशोका मित्रन जी कि अगर जैसे हम वो लोग कह रहे हैं कि सर्कस है, तो सर्कस में तो बहुत सारी कलाबाजियाँ दिखाई जाती हैं, तो कलाबाजी के झूले पर उन में जो स्किल थी उनकी, वो तो थी ही नहीं, उसमें कुशलता कुछ दिखाई नहीं दे रही थी कि मतलब वो सर्कस वाले हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और अगर हम जानवरों की बात करें, सर्कस में तो जानवर भी होते हैं, और कितने ट्रेंड जानवर होते हैं, तो जानवरों का उनसे परिचय केवल खाने की मेज तक सीमित था। मतलब वो लोग नॉन वेजिटेरियन थे, जानवरों को सिर्फ खाना जानते थे और उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पर आकर दो ड्रामा पेश किए, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल
पेशेवर ढंग से, प्रोफेशनल मैनर में बिल्कुल, वहाँ पे दो ड्रामा पेश किए, और उनका नाम क्या था, द जोनाथन वैली एंड द फॉरगेटन फैक्टर। रेन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलोंग विद द अदर सिटीज ऑफ द सिटी। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। अब वो बता रहे हैं कि उनका जो जोनाथन वैली और द फॉरगेटन फादर नाम के दो नाटक थे, वो मद्रास में कई बार उनके शोज दिखाए गए, है ना, और शहर के कई और लोग वहाँ पर आए, और उनके साथ साथ जेमिनी स्टूडियो के, जेमिनी जो पूरी फैमिली थी उसके 600 सदस्यों ने उनके नाटकों को बार बार देखा, ठीक है। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमलीज, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। वो कह रहे हैं कि जो उनको नाटक दिखाए गए थे उनमें जो संदेश दिया गया था वो आमतौर पर स्पष्ट और सरल होता था, लेकिन उनके जो सेट थे और उनको जो कॉस्ट्यूम पहनाए गए थे, उनको जो पोशाकें पहनाई गई थी, वो अव्वल दर्जे की थी, उच्च कोटि की थी, ठीक है। उस चीज़ को देख के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी व terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jonathan Valley, with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. अब वो लोग तो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि जो है वहाँ के जो लोग थे ना, मद्रास और तमिल के जो जो प्लेस करने वाले लोग थे, नाटक समुदाय के, बहुत इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या किया, सभी तमिल नाटकों में सनराइज़ और सनसेट का जो सीन था ना, वो जोनाथन वैली की तर्ज पर ही करना शुरू कर दिया। उसमें क्या होता था, उसमें एक मंच होता था, खाली स्टेज होती थी, उसके पीछे एक सफ़ेद कर्टेन लगा देते थे वो, है ना, पर्दा लगा देते थे, और क्या होता था उसमें बांसुरी की धुन बजाई जाती थी। तो जैसा जोनाथन वैली में सनराइज़ और सनसेट का सीन था, बिल्कुल वैसा ही इन लोगों ने वहाँ से चुरा लिया। तो तमिल और मद्रास में जितने प्लेस किए जाते थे, बिल्कुल यही सीन वो उसमें सनसेट और सनराइज का दिखाते थे। इट वॉज सम ईयर लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड्स। अब वो आगे बता रहे हैं कि मुझे ये कुछ सालों बाद पता लगा कि MRA क्या, जो हमने शुरू में देखा था, मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी जो आई थी 200 लोगों की, वो एक प्रकार का क्या था, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विपरीत एक आंदोलन था, कम्युनिज्म का अपोजिशन में थे वो लोग, ठीक है। और हमारे यहाँ के मद्रास के जो बड़े बड़े लोग थे ना, मिस्टर वासन जैसे लोग, वो सिर्फ उन लोगों के हाथों की कठपुतली थे, वो लोग उनके हाथों के इशारों पर नाचते थे, जो वो कहते थे वैसा ये लोग करते थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये जो हमारे बॉस लोग थे, जो उनके हाथों की कठपुतली थे, जो उनके साथ काम करते थे, अब ये सब करने से क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये लोग नॉन MRA थे या MRA थे, यानी मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के सदस्य थे या नहीं थे, और इन सब को करने से कम्युनिज्म या नॉन कम्युनिज्म ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, ऐसा ये सब तो मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा इस सब के बारे में मुझे नहीं मालूम है। आगे क्या बता रहे हैं, द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज। लेकिन वो कह रहे हैं ये सब तो मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जो 200 लोग अलग अलग नेशनलिटीज़ के आ गए थे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय लोगों से, अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के लोग जो यहाँ पर आए थे, उनकी मेज़बानी करने का अच्छा समय हमारी जो परिवार था जेमिनी स्टूडियो का, वो काफ़ी अच्छे से समय बीता हमारा, है ना। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑल ह्यूज एंड साइज एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़, जो अलग अलग 20 राष्ट्रों से लोग आए थे। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड विद थिक लेयर ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट।
तो वो बता रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा समय बीता। इसके साथ साथ वो लोग क्या करते थे, मेकअप डिपार्टमेंट का दफ्तर में काम करने वाले जो मेकअप बॉय थे, और जो एक बात हुई थी ना शुरू में ऑफिस बॉय की, उसके द्वारा क्या हुआ था, जितनी भीड़ थी वहाँ पर इतने सारे लोग थे, तो आम भीड़ की भूमिका निभाने वाले लोगों के मुंह पर वो क्या करते थे, मेकअप लगाते थे, मेकअप की मोटी मोटी परतें लगाने के लिए इंतज़ार करते थे। तो आम समूह इन लोगों की भीड़ में काफ़ी भिन्न था, काफ़ी सारे लोग थे, तो वो जो ऑफिस बॉय था वो तो उसमें बिजी रहता था। अ फ्यू मंथ लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास बज्ड एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अदर विजिटर्स। कुछ महीनों बाद मद्रास के बड़े बड़े लोगों के टेलीफोन की घंटियाँ फिर से बजीं, और एक बार फिर एक नए मेहमान के स्वागत के लिए हमने जेमिनी स्टूडियो के पूरे शूटिंग की जो स्टेज थी उसको बिल्कुल खाली कर दिया। अब वहाँ पर कोई और फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, अब जो है फिर से कोई विजिटर वहाँ आने वाला था, ठीक है। ऑल दे सैड वॉज दैट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने केवल इतना बताया था कि जो आने वाले हैं वो इंग्लैंड के एक पोइट हैं, एक कवि हैं, बस इतना बताया था। द ओनली पोइट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हियर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेली एंड बायरन, एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट। अब ये बता रहे हैं कि हमारे वहाँ जितने लोग थे, जितना स्टाफ था जेमिनी स्टूडियो का, उनकी जितनी जानकारी थी, अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो वो वर्ड्सवर्थ को जानते थे, टेनिसन को जानते थे, और कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो कीट्स, शैली, बायरन, ऐसे एक दो लोगों को और जानते थे, या फिर एलियट को जानते थे, है ना, थोड़ी बहुत जानकारी उन लोगों को थी। लेकिन ये कौन से पोइट हैं, ये कौन से पोइट हैं जो आ रहे हैं, हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, लेकिन इस समय कौन सा पोइट है जो जेमिनी स्टूडियो में आ रहा था, ये किसी को नहीं पता था। वो लोग सब बस क्या कर रहे थे, कयास लगा रहे थे, ये है कि वो है, ठीक है। ही इज़ नॉट अ पोइट, अब वो कह रहे हैं कि वो तो पोइट नहीं थे, ये खुद कह रहे हैं अशोकमित्रन जी कि वो पोइट नहीं थे, ही वो कि ही इज़ नॉट अ पोइट, ही इज़ एन एडिटर, कि वो एक एडिटर हैं। दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, और वो एक एडिटर हैं या संपादक हैं, इसी कारण बॉस ने उनको इतना बड़ा उनका स्वागत किया है, स्वागत रखा है, इतना बड़ा। वासन वॉज आल्सो द एडिटर ऑफ अ पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातान, आनंदा विकातान नाम का एक तमिल वीकली पेपर था, उसके वो खुद भी एडिटर थे। तो वासन एक लोकप्रिय तमिल साप्ताहिकी था, साप्ताहिकी मतलब जो वीक में एक बार निकलता है पेपर, उसका नाम क्या था, आनंदा विकातन, उसके संपादक थे, ठीक है, आनंदा विकातन के। ही वॉजेंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास। वो जो व्यक्ति आए थे उनके बारे में बता रहे हैं कि वो मद्रास में ब्रिटिश जो प्रकाशन थे, पब्लिशर थे, उनके नामों में से तो कोई नाम था नहीं, जो प्रसिद्ध थे मद्रास में, सब लोग जानते थे जिन लोगों को, उनके नामों में से तो कोई नाम उनका था नहीं, यानी वो तो थे नहीं ये कोई। दैट इज़ दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ आ डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंडन टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर अभी ये सब लोग जो है अपने अपने अंदाज़ लगा रहे हैं कि ये कौन होंगे, कौन होंगे, तो अब उन्होंने लगाया अंदाज़, उन्होंने कहा कि भाई पहले उन्होंने बता दिया कि मद्रास में जितने भी ब्रिटिश पब्लिशर्स हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके नामों में से तो कोई नाम है नहीं, अर्थात जो है जेमिनी स्टूडियो में जो लोग जानते हैं ब्रिटिश प्रकाशकों को, उनमें से कोई नहीं है, क्योंकि द हिंदू एक जो है बहुत ऊंचे लेवल का जो है अखबार है, उसमें तो उच्च स्तर के लोग जो है ये बताते हैं कि द हिंदू का है, नहीं भाई। तो अंदाज़ ये था कि ये जो पोइट आ रहे हैं वो कोई
दैनिक संपादक यानी डेली निकलने वाला जो न्यूज़पेपर है उसके संपादक हैं, लेकिन ना तो ये मैनचेस्टर गार्डन के थे और ना ही द लंदन टाइम्स के थे। जितनी जानकारी हमें थी उसके अलावा उसके जो है उसमें से तो ये कोई भी नहीं था। डेट वॉज ऑल दैट इवन मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, कि इतना ही कुछ हम में से अच्छी जानकारी वाले लोग जानते थे कि भाई ये ना लंदन टाइम्स के हैं ना मैनचेस्टर गार्डन के, आखिर ये व्यक्ति है कौन, ये सब अब इसी को पता लगाने में लग गए यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बताते हैं वो आगे क्या हुआ फिर। एट लास्ट आखिरकार अराउंड 4 PM द पोइट और द एडिटर अराइव्ड। अब उनको नहीं पता कि वो पोइट है कि एडिटर है, तो कह रहे हैं दोपहर बाद 4 PM के आसपास वो कवि या संपादक वहाँ पर आ पहुँचे। अब आप कुछ भी मान लीजिए उन्हें। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। वो एक लंबा आदमी था, बिल्कुल अंग्रेज, बहुत गंभीर और निश्चित ही हम में से उसको कोई नहीं जानता था। ठीक है, बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज। अब जिस शूटिंग स्टेज पर वो थे वहाँ पर जो है आधा दर्जन पेडेस्टल पंखे लगे हुए थे जो वहाँ पर लगातार चल रहे थे, यानी लगातार वो संघर्ष कर रहे थे, पंखे वहाँ पर घूम रहे थे जो उनकी सेवा में लगाए गए थे पंखे। ठीक है, द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच। तो जो उनके बॉस थे, कौन बॉस थे, SS बासन। ठीक है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण पढ़ डाला। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टुक न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर। ये स्पष्ट था कि उनको भी वो कवि या संपादक के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। ठीक है, द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जर्नल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पीपल्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जो उनका भाषण था वो सामान्य बातों का उसमें जिक्र था, लेकिन कहीं कहीं पर जो है आज़ादी और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जैसे शब्द वहाँ पर उन्होंने डाल रखे थे, वो समझ में आ रहे थे कि इस तरीके का उन्होंने साथ में उसमें जोड़ा था। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, जनरल बातें थी सारी और साथ साथ में बस कहीं कहीं पर आज़ादी, कहीं प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, इस तरीके के शब्द हमें सुनाई दे रहे थे। देन द पोइट स्पोक, इसके बाद जो वो कवि थे जो आए थे वो बोले। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about and his accent defeated my attempt to understand what he was saying. अब वो कह रहे हैं कि ये जो पोइट जिन्होंने बोलना शुरू किया था वो आए थे, उनका जो भाषण था उनके भाषण को इससे पहले कभी भी इतने आश्चर्यचकित और शांत लोगों ने नहीं सुना होगा, कि ये लोग तो खुद बेफल्ड थे, कंफ्यूज थे, तो बेचारे चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे। किसी को भी पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी किसी को। ठीक है, और उनका जो एक्सेंट था, बोलने का जो तरीका था, है ना, अब वो इंग्लिश मैन थे तो उनका बोलने का तरीका कुछ अलग था। टेंथ पॉइंट स्पॉक ही कोडंट, इस तरीके से बोल रहे थे वो। ठीक है, तो उनका जो बोलने का एक्सेंट था, उच्चारण था, जो कुछ वो कह रहे थे ना, उसको समझने की कोशिश को भी विफल कर दे रहा था। मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि समझ जाऊं, है ना, अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, मैं वो क्या कह रहे हैं मैं समझूं, लेकिन जो उनका एक्सेंट था वो उस कोशिश को भी विफल कर रहा था, उनके एक्सेंट की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्प्रेस्ड इन अटर बेफलमेंट, व्हाट आर वी डूइंग। सारा भाषण लगभग 1 घंटा में ख़त्म हो गया, 1 घंटा लिया उस भाषण ने। इसके बाद वो जो पोइट थे वो वहाँ से चले गए और हम सब लोग कैसे हो गए, बिल्कुल डिप्रेस से हो गए, विचलित हो गए। ठीक है, और वहाँ से बेफल्ड हो गए, कंफ्यूज थे, इधर उधर हो लिए सब लोग, क्योंकि किसी की कुछ भी समझ में नहीं आया था कि उन्होंने क्या बोला था। वॉट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट sort of people। वो जो है व्यक्ति जो आए थे वो यहाँ क्या कर रहे थे, वो इंग्लिश पोइट थे तो वो यहाँ क्यों आए थे। तो साधारण से साधारण लोगों के लिए भी तमिल फिल्में बनाने वाले स्टूडियो में एक अंग्रेजी कवि क्या कर रहा था, भाई हमारे यहाँ तो तमिल फिल्में बनती थी, वो इंग्लिश कवि यहाँ आके क्या बोल रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए सब लोग कन्फ्यूज़ थे। हुज़ लाइव्स
least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. वे लोग जिनके जीवन में कविता में रुचि पैदा करने की संभावना ही नहीं थी, मतलब ऐसे लोग जो तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, पोएट्री में कोई रुचि नहीं थी, ना ही आगे कोई संभावना थी कि उनको कल्टीवेट किया जाए, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी इंग्लिश पोएट्री में, तो उनको क्यों ये सब कुछ सुनाया गया बैठ के. द पोइट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट. वो जो पोएट था वो काफ़ी खोए खोए नज़र आ रहे थे, वो जब बोल रहे थे तो वो भी बेचारे खोए खोए से नज़र आ रहे थे. उसको भी अंग्रेजी कवि के जो रोमांचक अनुभव थे और उनकी जो पीड़ाएं थीं, उन सबको बताना सरासर क्या लग रहा था, बेतुकापन लग रहा था. एहसास हो रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेतुकेपन से वो बोले जा रहे थे. और जिस तरीके से उन्होंने ये सब बोला ना, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ पर वो सब बेफल्ड थे, सब कंफ्यूज हो गए, भाई ये कह क्या रहा है, आखिर है कौन व्यक्ति, पहले तो यही नहीं पता, फिर ये क्या बोल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा. हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री. अब उनका ये दौरा था, उन पोइट का, ये पोइट थे या एडिटर थे, उनका ये जो दौरा था, ये यहाँ पर आए थे, ये विजिट जो थी ये वो एक रहस्य बन के रह गई. ठीक है, अब ये सबके लिए रहस्य था, किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा था ये रहस्य. बच्चों आपके इसी चैप्टर में आगे खुलेगा, देखिए अब वो आगे क्या बता रहे हैं. अब देखो, अभी तक ये नहीं मालूम था ना कि वो कौन है, वो पोइट है अभी या एडिटर है, अभी तो ये सब पोइट मान के उनकी बातें सुन रहे थे. तो हमारे ये जो अशोकामित्रन जी हैं वो अब ये बताएंगे कि पोइट होना भी या पोइट ना होके एक एडिटर होना, यानी आप जो है पोइट्री लिखें या प्रोज लिखें, दोनों ही कितने मुश्किल हैं, वो अब ये समझाएंगे किसी एक व्यक्ति के लिए. ठीक है, वो ऐसा इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, शायद आप बता सको कि ये पोइट थे या कोई एडिटर थे, प्रोज राइटर थे. आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं. द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस. वो कह रहे हैं संसार के महान प्रोज राइटर, हिंदी में अगर बोले तो गद्य लेखक, इस बात को स्वीकार ना करें, परंतु मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा था कि ये जो प्रोज राइटिंग है वो एक जीनियस की यानी प्रखर बुद्धि वाले आदमी के लिए करने योग्य काम नहीं है. ठीक है, प्रखर बुद्धि वाले आदमी के लिए करने योग्य काम नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला. किसने बोला? अशोकामित्रन जी ने. आगे कह रहे हैं वो, इट इज़ फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट प्रिजर्विंग ड्रज विद अ हार्ट सो शंकिन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड इट ऑन द अनदर एडिटर इनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट्स. देखो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि जो प्रोज राइटिंग वो प्रखर बुद्धि वाले आदमी का काम नहीं है, ऐसा क्यों बोला? देखो उन्होंने ये कहा कि ना उसका काम है और ना ही हो सकता है. ये ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक ऐसे आदमी के लिए काम है जिस जो कि कैसा हो, बिल्कुल शांत हो और लगातार काम करने वाला हो, जैसे कोलू का बैल लगा रहता है ना, परसिस्टेंट प्रिजर्विंग ड्रज लगातार काम करने वाला हो ऐसा व्यक्ति, और जिसका दिल जो है बहुत सिकुड़ा हुआ ना हो, छोटा सा ना हो. यानी क्या होता है, जब कोई रचना लिख के किसी के पास लेके जाता है, मान लो कोई स्टोरी लिख के गया, फिल्म की स्टोरी लेके गया, अब किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब उसकी रिजेक्शन से वो क्या हो जाए, परेशान ना हो जाए, है ना. इसीलिए बोल रहे हैं कि उसका जो हृदय है वो कैसा हो, सिकुड़ा हुआ ना हो, छोटा सा ना हो, जैसे कुछ भी हो जाए तो उससे दिल टूट जाए उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अगर उसका रिजेक्शन हो जाए, उसको अस्वीकृति मिले, तो उसका कोई उससे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. बल्कि वो क्या करे, जैसे अगर रिजेक्शन मिलता है कहीं, तो फिर से वो क्या करे, वो जो उसने जो लंबी सी गद्य की रचना की है ना, बड़ी सी कहानी लिखी है, उसको फिर से तैयार करे वो,
और फिर से तैयार करके उसमें जो गलतियाँ हैं उसको सुधारे और फिर दूसरे एडिटर के पास, दूसरे संपादक के पास उसको भेज दे और उस पर पोस्ट टिकट लगा के, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए है, समझ में आई बात, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोज राइटिंग है, ना कि हम कह दें कोई प्रखर बुद्धि वाले के लिए है। अरे वो जो बार 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 जो भी कमियां हैं उसको ठीक करता जाए उसके लिए है वो, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट उन्होंने क्यों दिया ये प्रोज राइटिंग और ये सब, क्योंकि आगे एक आपको वो किस्सा सुनाने वाले हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने क्या किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या बता रहे हैं वो। रिजेक्शन द मीन थिंग्स हिम, अच्छा, इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पीस, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम ऑफ द एनकाउंटर। अब वो बता रहे हैं कि अब ऐसे ही लोगों के लिए, जैसे लोगों की उन्होंने बात की थी कि जो दिल इनका छोटा ना हो और बार बार रिजेक्शन से वो घबराए नहीं, है ना, बार बार प्रयास करते रहे, तो ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू जो अखबार था उसने अपनी मैगजीन में एक ऐसा पृष्ठ जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं था ऐसे पेज पर, है ना, एक महत्वहीन पृष्ठ के लिए जो है एक ऐसा कोना, अनसिग्निफिकेंट कोना जिसको जिसका कोई महत्व नहीं था, लोग ढंग से देखते भी नहीं थे, उपेक्षा करते थे उसको, उस कोने के एक छोटी से मैं एक अनाउंसमेंट किया। और अनाउंसमेंट क्या था कि एनकाउंटर नाम की एक जो है ब्रिटिश मैगजीन है, पीरियडिकल मतलब जो कि हर 15-15 दिन में छपती है ना, एक पीरियड के बाद छपती है, तो वो पीरियडिकल जो मैगजीन थी उसमें छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज का एक कॉन्टेस्ट था, ठीक है। वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो द एनकाउंटर ने ऑर्गेनाइज़ किया था, राइट, ब्रिटिश पीरियडिकल बाय नेम द एनकाउंटर। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जर्मनी स्टूडियो के पढ़े लिखे लोगों में द एनकाउंटर जाना पहचाना नाम नहीं था, किसी ने सुना ही नहीं था उसके बारे में। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल बिफोर आई स्पेंट कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट। वो कह रहे हैं कि मैं इस मैगजीन के बारे में कुछ जानना चाहता था इससे पहले कि मैं अपने हाथों से लिखी हुई जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको इंग्लैंड भेजने के लिए काफ़ी पैसा टिकट खरीदने में खर्च कर दूँ। भाई पोस्टेज में जाएगा तो टिकट में पैसा भी तो लगेगा, तो मैं ऐसा पैसा खर्च करने से पहले मैं ये जानना चाहता था कि ये है क्या पीरियडिकल, ये जो द एनकाउंटर मैगजीन है वो क्या है, मैं उसके बारे में जानना चाहता था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड इन दोज डेज, उन दिनों द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग बाइंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू अ फॉरबिडन एरिया। अब वो कह रहे हैं कि उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जो कैटलॉग के जो होल्डिंग थे यानी सूचना पट थे और नोटिस वाला जो एंट्रेंस था वो नहीं था, जैसे आजकल हुआ करता है कि कहीं कैटलॉग लगे हैं, होल्डिंग लगे हैं, वो सब नहीं था वहाँ पे, ताकि आपको ये आभास कराया जाए कि आप एक फॉरबिडन एरिया में, फॉरबिडन मतलब वर्जित क्षेत्र में लुके छुपे जा रहे हैं, ऐसा नहीं था कि आप छुप छुप के पहुँच रहे हैं वहाँ पर, आप सीधे चले जाइए, वहाँ कुछ था ही नहीं इस तरीके का पहले, ठीक है। एंड देयर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लेइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स। और वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा, और वहाँ पर द एनकाउंटर जो मैगजीन थी उसकी बहुत सारी कॉपीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी जो फ्रेश नई नई आई थी बिल्कुल, और अलग अलग पड़ी हुई थी जो कि रीडर्स ने, पाठकों ने बिल्कुल छुई भी नहीं थी, वो बस वहाँ पर ढेर के ढेर लगे हुए थे और वहाँ पर पड़ी हुई थी। एंड देयर वर कॉपीज द एनकाउंटर लेइंग अबाउट इन द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम आई हियर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय शंकिन हार्ट। और जब मैंने उस संपादक का नाम पढ़ा तो मेरे जो शंकिन हार्ट है, मेरा जो सुकड़ा हुआ छोटा सा दिल है, उसकी घंटियाँ बजने लगी, मुझे उसमें से घंटियाँ की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब इनको एकदम से सुन के स्ट्राइक किया कि भाई ये नाम तो कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। इट वॉज द पोइट
हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। अब ये वही पोइट थे जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे, ये जो उसके एडिटर हैं ये वही थे जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे। अब देखो ये मिस्ट्री जो कह रहे थे ना, मिस्ट्री बन के रह गया था उनका आना, अब ये मिस्ट्री इस समय रहस्य खुल रहा है उसका, ठीक है। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। तो जब उसका नाम पढ़ा एडिटर का तो मुझे क्या लगा कि ये तो बहुत जाना पहचाना है ना, ये तो वही है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत दिनों से गुम हुआ मेरा भाई मुझे मिल गया हो, और मैंने गुनगुनाते हुए उस लिफाफे को बंद किया और उसके ऊपर उनका एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अब वो खुश हो गई, चलो मैंने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया कि वो व्यक्ति कौन थे आखिर जो हमारे आए थे। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। अब देखिए ये तो हिंदी फिल्म आपके इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ के थे ना, तो उन्होंने वही सोच लिया। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं गाना गा रहा हूँ ना ऐसे वो भी गाना गा रहे होंगे। जैसे भारतीय फिल्मों में क्या होता है, लंबे समय से बिछड़े हुए भाई फिल्म की पहली और आखिरी रील में एक ही गाना गुनगुना रहे होते हैं। जब फिल्म शुरू होती है तो एक गाना गाते हैं, और दूसरे जब फिल्म ख़त्म होने वाली है तब भी वो गाना गा रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे तुमको कैसे पता ये गाना, तुम तो मेरे भाई हो, तो वो ढूंढ लेते हैं एक दूसरे के भाई को। तो ऐसा कुछ फील हो रहा था उन्हें। स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन दैट वॉज हिज नेम। उनका नाम क्या था, स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन ये उनका नाम था, ठीक है। अब देखिए मिस्ट्री सॉल्व हो गई सारी यहाँ पे। एंड ईयर लेटर व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एनीथिंग एट अ रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माय अटेंशन। अब वो बता रहे हैं कि और कुछ सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो में काम नहीं करता था और मेरे पास उस समय बहुत सारा पैसा नहीं होता था, तो मैं क्या करता था, मैं कम कीमत वाली चीज़ों में से कोई भी चीज़ मेरा ध्यान आकर्षित कर लेती थी, ठीक है। तो जो कम चीज़ सस्ती होती थी मैं वो ले लेता था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। तो मद्रास माउंट रोड डाकघर के सामने एक फुटपाथ पर 50 पैसे में एक मिलने वाली बिल्कुल नई किताबों का ढेर लगा हुआ था, ठीक है। अब इसने देखा कि वहाँ पर ढेर लगा हुआ है, 50 पैसे में एक मिल रही है। तो एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ द अमेरिकन ओरिजिन। और वास्तव में ये वही किताब की प्रतिलिपियाँ थी जो अमेरिकन सुंदर कागज़ उसमें लगाया गया था, उस पर कवर पेज जो है अमेरिकन था, ठीक है। और ये क्यों ऐसी थी, मतलब इतना अच्छा कागज़ था, इतनी सब अच्छी चीज़ें थी, अमेरिकन थी, ये बनाई किस लिए गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। ये कम कीमत की विशेषकर विद्यार्थियों के लिए संपादित रूस की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित थी, ठीक है। मैंने 50 पैसे दिए, द गॉड दैट फेल्ड की मैं एक प्रति मैंने वहाँ से खरीद ली थी, ठीक है। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नी ऑफ कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजनड रिटर्न। एंड्रू गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नोजिया सैलन, आर्थर कैस्टल, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर। अब उनने क्या देखा उस बुक में, क्या था, 6 प्रसिद्ध विद्वान 6 अलग अलग निबंधों को अपनी जो कम्युनिज्म, शुरू में बताया था ना कम्युनिज्म की बात बताई थी हमने आपको, तो उसको कहते हैं साम्यवाद। कम्युनिज्म में यात्रा से किस तरीके से वो इल्यूजन दूर हुआ, किस किस तरह से उस मोह से मुक्त हुए वो,
और कैसे वापस आए उसको छोड़ के उस कम्युनिज्म को, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। ये कौन कौन थे इसमें? एंड्रू गाइड, रिचर्ड राइट, इग्रोजिया सैलन, आर्थर कैस्टल, लुइस फिशर और स्टेफन स्पेंडर, ये थे। अब स्टेफन स्पेंडर, द बुक एज्यूम ट्रमेंडस, और जैसे ही उन्होंने स्टेफन स्पेंडर का नाम सुना तो अचानक से ये पुस्तक जो है कैसी हो गई, ट्रमेंडस हो गई, बहुत ज़बरदस्त रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई ये पुस्तक जैसे ही उन्होंने उसका नाम सुना। किनका? स्पेंडर, स्टेफन स्पेंडर का, ठीक है। सिग्निफिकेंस, ठीक है, अचानक से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। स्टेफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जर्मनी स्टूडियो, तो स्टेफन स्पेंडर तो वही पोइट थे जो हमारे जर्मनी स्टूडियो में आए थे, ठीक है, जर्मनी स्टूडियो। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, एक ही क्षण में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक धुंधली सी रोशनी ने मेरे दिमाग के एक अंधेरे कक्ष में उजाला सा कर दिया है, मतलब एकदम से उन्हें सब याद आने लगा कि वो किस बारे में बोल रहे थे, कैसे कर रहे थे, अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो ना उनके अंधेरे बंद कमरों में से एकदम से रोशनी सी जैसे आने लगी। द रिएक्शन ऑफ स्टेफन स्पेंडर एट जर्मनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, तो स्टेफन स्पेंडर का जो रिएक्शन था जर्मनी स्टूडियो की जो रिएक्शन था वो अधिक समय तक अब रहस्य नहीं रहा था। दे द बॉस ऑफ द जर्मनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री, जर्मनी स्टूडियो के जो बॉस थे वो स्टेफन स्पेंडर के जो पोइट्री थी उससे उनको लेना देना कुछ भी नहीं था, उस बॉस को कोई भी लेना देना नहीं था। बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन भगवान जो असफल हो गया के बारे में ऐसा नहीं था। यानी कहने का मतलब जो है, ये जो उन्होंने बुक खरीदी थी उस बुक का नाम क्या था, अभी हमने पढ़ा था, उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। अब ये उस बुक के बारे में जब उन्होंने देखा उसमें इतने सारे ये छः इसमें अलग अलग पोइट हैं उन्होंने अपने बारे में लिखा है, तो स्टीफन स्पेंडर ने जो उस समय कहा था वहाँ पर जर्मनी स्टूडियो में, तो वो अब मिस्ट्री क्यों नहीं रहा, क्योंकि उस समय तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ये बुक खरीदी द गॉड दैट फेल्ड तो उनको अब ये बात समझ में आ गई कि ऐसा वो क्यों बोल रहे थे और ऐसा क्यों था उस समय, क्योंकि वो फंस गए थे कम्युनिज्म में, कम्युनिस्टों में, और फिर वो उससे लौट कर आए थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उस समय उनसे शेयर किया था। तो बच्चों ये था चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और साथ ही मैं आपकी ऐसे ही मदद कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।